को संभाल नहीं पाती हो तो इस तरह उड़ने की क्या जरूरत है? क्षमा कर दीजिए, बेटा देखा तुमने गौरी को? जब इस घर में आई थी तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी, आज देखो उड़ी जा रही है। बेटा इस घर में तुम सब इतने सीधे हो, लेकिन यहाँ जो भी आता है टेढ़ी चाल चलने लगता है। अदिति को देख लो, जानती हूँ किन हालात में यहाँ आई थी, लेकिन आज उसका साया मेरे भारत पर पूरी तरह से है। ध्यान रखना बेटा, अमर पर भी किसी का साया न पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। हेलो, मैं जानबूझकर शादी में खलल नहीं डाल रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं? एक तलाकशुदा लड़की से मेरे बेटे की शादी होना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। पापा सच बताइएगा, अगर छोटी माँ ने अपनी रजामंदी ना दी हमारी शादी के लिए तो क्या तब भी आप खुश होंगे हमारी शादी से? अदिति क्या कर रहे हो तुम? अदिति अपनी खुशी के लिए इस परिवार की खुशी छीन रहे हो।
बोलो अदिति, जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? गौरी तुम, पता ही नहीं चला कब आई। हमने सब देख लिया दीदी, आपकी उदास आंखें और आपका भारी मन। आप चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं मन में तो हजार सवाल उठ रहे होंगे, और उन हजार सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि आप और भारत भैया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। दीदी, सच्चा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जिन्हें मिलता है उन्हें खोना नहीं चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए, हमारे मन की बात किसी के मन तक तो पहुंची, एक दिन तुम्हारे पति के मन तक भी पहुंच जाएगी। और मेरा मन कहता है कि सच्चा प्यार पाने वाले खुश नसीबों में तुम भी होगी। बहुत जल्दी तुम्हारा पति मिल जाएगा, इसलिए अपनी हिम्मत मत हारना। अकेले बना रही हो? लाओ मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप क्यों करेंगी, हम कर लेंगे दीदी। कोई बात नहीं दीदी है। आपको आराम करना चाहिए, काम का बोझ नहीं लेना चाहिए। बोझ का क्या है, आना होता है तो आ ही जाता है। कोई नहीं रोक सकता उसे। खैर, घर पे खाना कौन बनाया करता था, तुम या फिर कोई और? जी दरअसल तुम्हारे घर के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब तुम्हारा परिवार, कौन कौन थे तुम्हारे परिवार में? तुम्हारा गांव? कुछ भी नहीं जानती मैं, बताओ ना। जी वो अमर बाबूजी तो। दिव्या, आप यहाँ पूरियां तल रही हैं? हमने कहा ना आपको आराम की सख्त जरूरत है, चलिए आइए हमारे साथ। अमर, मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं बस अभी आती हूँ। 2 मिनट भी नहीं, प्लीज। मैं काम करना चाहती हूँ अभी। दिव्या, सारे काम बाद में, अभी सिर्फ आराम प्लीज। चलिए आइए। दीदी ने अचानक ये सब सवाल क्यों पूछे, कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? हेलो हेलो, 1 मिनट, कवरेज नहीं आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ सुनिए, मैंने फाइल्स पढ़ ली है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, हाँ मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा बस।
आप ऑर्गेनाइज कीजिए मीटिंग, में आ रहा हूं। ओ गॉड, प्रेस रह गई, मैं आपको बाद में करता हूं। ये लीजिए आपकी शर्ट। अदिति, मैं बहुत मुश्किल में हूं। अदिति, सब कुछ मुश्किल में है। मेरा मतलब है, सब कुछ अधूरा है। ये फाइल अधूरी है, ये कॉल अधूरा है, ये शर्ट अधूरा है। सच कहूं तो मैं भी अधूरा हूं। बस तुम्हारी एक झलक से सारा अधूरापन दूर हो गया। तुम हमेशा मेरे साथ रहना अदिति, ताकि मैं कभी अधूरापन महसूस ना करूं। तुम मेरे साथ रहोगी ना अदिति? हाँ भारत, रहूंगी, हमेशा रहूंगी। कुछ वक्त तक मैं अपने ही सवालों से लड़ रही थी, जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन इस एक पल ने सारे जवाब दे दिए। चाहे जो भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे रहते आपकी जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। अदिति जी, दिव्या कहाँ है? वो चंद्रा मासी के साथ गार्डन में टहल रही है। ओके। अदिति, ये आ गए क्या? जी आ गए, वो अपने कमरे में गए हैं। थैंक यू। कैंडल्स आपके लिए, और ये मेरे दिल की रानी तुम,
मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या बातों बातों में भूल ही गए। आज आपकी रिपोर्ट्स आने वाली थी ना, हॉस्पिटल से फोन आया। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि कुछ और दिन लगेंगे रिपोर्ट्स आने में। कुछ और दिन? चलो ठीक है, थोड़ा वक्त और सही। अच्छा छोड़िए, इन बातों को छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपको ये फूल कैसे लगे, ये कैंडल्स, ये सब कुछ। सजावट थोड़ी अधूरी है, बहुत जल्दी आप कमरे में आ गए। थोड़ा वक्त और लगाती तो हम इस कमरे को जन्नत बना देते। अब भी जन्नत ही है। दिव्या, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी आप? गौरी के बारे में, वो गांव वाली गौरी। आपने वहां से आने के बाद एक भी बार पता किया कि वो कैसी है? नहीं, हम फोन क्यों करेंगे? अरे उसका पूरा परिवार उसके साथ है, ठीक ही होगी, हम भला फोन क्यों करेंगे उसे? उसके लिए तो बस एक ही था, हम नहीं, शिवम। हाँ शिवम, लेकिन उसके शिवम तो आप थे। उसकी सारी भावनाएं सब आपके लिए थी। तुम अचानक की कैसी बातें कर रही हो दिव्या? इतने अच्छे दिन हैं, इतने खूबसूरत पलों खराब क्यों कर रही हो? देखो देखो दिव्या, हम इस वक्त सिर्फ तुम्हारे, हमारे और हमारे बच्चे के बारे सोचना चाहते हैं, नहीं किसी गौरी या किसी गांव के बारे में। हमारी दुनिया आपसे श्रोती है और आप पर ही खत्म होती है दिव्या। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपसे अपने बच्चे से बहुत ज्यादा। आप सुन रही हैं ना? बहुत ज्यादा। हम नहीं जी सकते आपके बिना। माँ, मैंने सबसे कह दिया है, मेरे बेटे की शादी में सारे फूल मैं ही सजाऊंगा। बताइए कैसा लग रहा है? मुझे लगता है एक माला और होनी चाहिए बीच में शायद ये। हाँ हाँ, सही कह रही हैं आप, लेकिन तो सारे फूल खत्म हो गए। फूल? अरे हाँ दिव्या जी, वो यहाँ फूल खत्म हो गए हैं, तुम जरा गौरी के कमरे में चली जाओ, वहाँ फूलों की टोकरी रखी है, उसको कहना लेके आ जाए। जी मैं देख लेती हूँ। गौरी,